आपको खिलाएंगे सुपर चीज व्हाइट सॉस पास्ता। अच्छा चाय लिखाई भैया, हम एमए तक कर रखे हैं, मतलब शुरू से दिमाग में ये आया कि भैया पास्ता पे ही काम करना है, पास्ते पे ही काम करना है। दुनिया चाहे क्या बात है यार, इसी के भैया दीवाने आपने कर रखे है, ज्यादातर अभी टलेगी। क्या बात है यार, इसे कहते हैं ना भाई पास्ता खाना। तो भैया आज अमर कॉलोनी के मेन मार्केट में आ रखा था, जो चीज आपको मैं खिलाने ले के आ रखा हूँ, शानदार से भैया है, बात करके आपको बताएंगे किस तरीके के यहाँ लोगों की दीवानगी है। मेन मार्केट में खड़ा हूँ, कैसे भैया खिलाएंगे बढ़िया सा? सबसे पहले भैया से नाम पूछ लेते हैं, प्यारा सा अपना नाम बताओ भैया। अंगद यादव सर। ठीक है, रहने वाले कहाँ के हो पाजी? यूपी। यूपी में जिला आजमगढ़। अच्छा, तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ हो गए 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल तो लगातार यही काम कर रहे हो? कुछ और भी कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें तो महारत आपने हासिल खेल ली होगी। तो हमें कौन सा खिलाने वाला है आज बताओ? आपको खिलाएंगे सुपर चीज व्हाइट सॉस पास्ता। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग यही खाते हैं? बहुत बहुत निकलता है पास्ता, फेमस हमारा है। मैं बना के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, बना। सबसे पहले क्या आया? ये ऑलिव ऑयल डाल दिया। ठीक है। अच्छा ये बताओ भैया, कई जगह मैंने देखा पास्ता में लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, तो ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा बताओ। ऑलिव ऑयल बढ़िया होता है, इसलिए हम लोग बहुत पहले से डालते हुए आ रहे हैं। मतलब इसे खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा ये कह रहे हो? नहीं। अच्छा ठीक है, इसके बाद बताओ क्या आएगा? लाल डाल दिया शिमला मिर्च। ठीक है, तो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के बाद ये अपना है स्वीट कॉर्न। ठीक है, ये अपना है ब्रोकली मशरूम वगैरह। अच्छा, और इसको थोड़ी सी फ्राई करेंगे। ठीक है, अनियन और कैप्सिकम डालेंगे। ठीक है, एक बात बताओ भैया, ये ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पास्ता बनके कितने देर में रेडी हो जाता है आपके? ये पास्ता हमारा 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाता है। 4 से 5 मिनट में? कोई ऐसा तो बंदा नहीं है भैया, कई लोगों को जल्दी भी होती है, दिल्ली ऐसे शहर में आते ही उनको चाहिए, तो फिर उनके लिए उनको कैसे दवाई देते हो? नहीं, तब भी 3 से 4 मिनट लगते ही है। 3 से 4 मिनट बोल देते हो कि भैया रुकना है तो ठूक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छा, और अगर किसी को भैया घर बैठे मंगाना है ये वाला पास्ता, तो अपना ऑनलाइन मंगवा सकता है, हमारी होम डिलीवरी भी फ्री होती है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई भैया आपने कहाँ तक करी है? परिवार से मिलने जाते हैं भैया। अच्छा, ये क्या डाल दिया भैया? ये पास्ता डाले। अच्छा, तो ये पास्ता ये रेडीमेड लेके आते हो भैया या किस तरीके? पास्ता रेडीमेड आता है, बॉयल हम लोग करते हैं खुद। यहाँ बॉयल आप खुद करते हो? हाँ जी। तो ये बॉयल करके सुबह ही रख देते हो सारी चीजें? हाँ, सुबह सुबह तैयारियां कर लेते हैं, पूरे दिन बनाते रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो भैया पास्ता कितना बिक जाता है? ये हमारा सुपर चीज पास्ता दिन में 30 से 40 प्लेट निकल जाते हैं, और बाकी सारे पास्ते बिकते रहते हैं। बाकी सारे दुकान जिसके लिए फेमस है और लोग जिसके लिए आते हैं वो यही वाला पास्ता खाने के लिए आते हैं। सुपर चीज पास्ता है और बनाते आप ही हो, आपने बताया कि ऐसी दीवान की आपने मचा रखी है। वही वाला हाथ में बनाते बनाते। ये क्या डाल दिया भैया? दूध? ये व्हाइट सॉस हमारी। अच्छा, व्हाइट सॉस। हाँ जी। ठीक है, इसे किस लिए डाला भैया? ये ग्रेवी होती है, इससे स्वाद होता है बढ़िया। ठीक है, अब इसमें डालेंगे इसके बाद मसाले। ठीक है, घर से अगर आ रहे हो तो भैया ये क्या डाला भैया बिहार से? ये मसाले हमारे। ठीक है, ये बताओगे? नहीं, ये इसको सेपरेट मसाले होते हैं। अच्छा ठीक है, और ये चिल्ली फ्लेक्स है। ठीक है, थोड़ा स्पाइसी करना भैया, थोड़ा सा ना स्पाइसी बनाना। काली मिर्च है। ठीक है, अपना सॉल्ट नमक है। ठीक है, इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, और इसके बाद डालेंगे इसमें मोजरीला चीज। ओ माँ तेरी की, उसकी मौज आने वाली है मोजरीला चीज की। हाँ जी। चीज भैया पहले से मंगा देते हो सारी चीजें? हाँ जी। अच्छा, ये मोजरीला चीज डाल दिए, ये बारिश कर दी इसकी आपने चीज की। हाँ जी, प्रिकॉशन सही लगा रखा भैया, कपड़ा वपड़ा पहन के अपना आराम से जिस तरीके से पहन के कहते हैं ना, सारी चीजें रख रखी है सेफ्टी। देखिए चीज की लेयर, ये बढ़िया सी जिस तरीके से चीज आपने बना रखा है, बढ़िया कर दिया भैया एकदम। ये रेस्टोरेंट और जो लोग बैठ के भैया खाते हैं ना पैसे देके 300-400 रुपए, वो वाला आपने मजा फील कर रखा है। पास्ता हमारा बहुत टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, यही सेम व्हाइट सॉस पास्ता? क्या बात है यार, इसी के भैया दीवाने आपने कर रखा है, ज्यादातर लोग देख रहा हूँ भैया हमारे कॉलोनी में लोग यही खाने आ रहे हैं, पास्ता ही खा रहे हैं लोग। अच्छा, अब ये ऊपर से क्या डाल भैया? ये चीज स्लाइड डालेंगे ऊपर से। ठीक है, सारी चीजें तो भैया डाल दे, कुछ चीजें ऐसी रह गई जो नहीं अभी डलेगी? नहीं, सारी डाल दी भैया। सारी डाल दी भैया? हाँ जी। ठीक है, इसमें ऊपर से डाल देंगे मसाले। ठीक है, ये मसाला भैया खुद से तैयार करते हो? हाँ जी भैया। सीक्रेट मसाला है जिसको कहते हैं, ये डाल दिया भैया। क्या ये है? आपका वेसल के पत्ते हैं। एक बार कोई आपकी वीडियो देख रहा हो तो उसको किसी को आना हो तो लाजपत नगर 4 अमर कॉलोनी की मेन मार्केट है, हंगर नियर बाई हंगर स्ट्राइक। तो भैया हमारे को 2 बढ़िया से रेडी करके खाने के लिए आपका हो गया पास्ता रेडी। और भैया ये ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ जी ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दुकान की टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग है सुबह 10 बजे खुल जाती है। चलो।
तो दोस्तों टेस्ट करके बताते हैं। भैया से मैंने बात करी आपको, सारे शानदार से भैया ने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया। इसमें सारी चीजें डाल रखा है। लोग बोलते हैं ना ब्रोकली नहीं खाते हैं, भैया आप मैं कह रहा हूँ ब्रोकली आप खाओगे। गोभी का बड़ा भाई कहा जाता है ब्रोकली, आप सब लोग खाओगे। साथ में इन्होंने कॉर्न डाल रखा है, क्या चीज नहीं डाली मेरे भाई। इसमें सारी चीज आपको डाल रखी है, मशरूम आपको मिल जाएगा, एक से एक चीज डाल रखी है। टेस्ट करके आपको बताता हूँ किस तरीके का टेस्ट हो रहा है इनके पास। देखो सबसे पहले मेरे मुंह में जो है ना भैया ब्रोकली चली गई, और इसमें जो देख रहे हो ना ये देखो क्रीम किस तरीके का, किस तरीके का टेस्ट आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक से एक चीज भैया ने डाल रखी है। भैया जिस तरीके से आपने पैसा खर्च कर रहे हो ना, एक रीजनेबल प्राइस में अमर कॉलोनी की मार्केट में आपको, और आपको इतना बढ़िया पास्ता मिल जा रहा है। अमर कॉलोनी में कुछ खाने का वैसा ढूंढ रहे हो लाइट वेट तरीके का, तो भैया के पास आओ और अपने हिसाब से आपको बनवाना है, आपको कस्टमाइज कराना, आपको आपको कहना है कि भैया आपको इसमें मशरूम कम डालना है तो कम डाल देंगे। हम इसे बढ़िया से खाते हैं, और देख लो किस तरीके से क्रीमी डाल रखा है, टेक्सचर है सब देखो, एक से एक रंग दिख रहा है ना भैया। अगर चीजें बंदे ने नहीं डाल रखी हो तो नहीं दिखता, सारी चीजें एक से एक डाल रखा है टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। बढ़िया सा क्रीम डाल रखा है, बढ़िया सा मोजरीला चीज, जिसके मैं चीज की बात कर रहा था ना, बारिश कर रखी है मेरे भाई। इतने कम पैसों में अगर इतनी सारी चीजें डाल रखी है। अब मैं करता हूँ टेस्ट और फिर मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में। दुकान का नाम बता देता हूँ, आप दुकान का नाम देख सकते हो, पास्ता टाउन के नाम से है। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।